लोकसभा चुनाव से पहले टूट सकता है भाजपा का महागठबंधन। एक और बड़ी पार्टी का होगा इंडिया गठबंधन में विलय। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच सीट को लेकर सौदा चल रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को लेकर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। इसी का फायदा उठाने के लिए इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक सरतंज की विसात पर एक चाल चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। सूत्रों ने यह जानकारी एनडीटीवी को दी है। इंडिया गठबंधन का यह प्रस्ताव चिराग पासवान के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, जिन्हें एनडीए द्वारा बिहार में केवल 6 लोकसभा क्षेत्रों की पेशकश की जा रही है। हालांकि उनके लिए शर्त यह भी है कि इन सीटों को उन्हें अपने और चाचा पशुपति पारस के बीच बांटना होगा। पशुपति पारस के साथ है चिराग के अच्छे संबंध नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की पेशकश में वे सभी 6 सीटें शामिल हैं जिन पर अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी LJP ने 2019 में चुनाव लड़ा था और बिहार में 2 और उत्तर प्रदेश में 2 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में एक डील शामिल है। वहीं आपको बता दें, पार्टी प्रमुख और अनुभवी नेता रामविलास पासवान की मृत्यु के 1 साल बाद पारस द्वारा तख्ता पलट के बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बट गई थी। नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़ने के बाद चिराग पासवान पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस शामिल है। इस साल की शुरुआत में JDU प्रमुख के NDA में लौटने के बाद से कथित तौर पर तनाव सतह पर है।